आमिर खान की फिल्म दंगल साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने कमाई के मामले में ऐसा झंडा गाड़ा कि अभी तक कोई और उसे उखाड़ नहीं सका। फिल्म दंगल की कहानी महिला रेसलर महावीर फोगाट, गीता फोगाट और बबीता फोगाट की जीवन पर आधारित थी। ये फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि चाइना के बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाती हुई नजर आई थी। दंगल ने वर्ल्ड वाइड 1900 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म के हिट होने की एक वजह ये भी है कि इस फिल्म के सभी एक्टर्स ने जी तोड़ मेहनत की थी अपने कैरेक्टर्स में फिट होने के लिए। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं इस फिल्म के बिहाइंड द सीन शूटिंग, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आमिर खान इस फिल्म में पहलवान महावीर फोगाट के किरदार में दिखे हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में एक ऑफिस के अंदर आमिर टीवी पर एक रेसलिंग मैच देख रहे होते हैं। तभी उनके ऑफिस के एक सहकर्मी जो कि एक रेसलर है, आमिर को उकसाने की कोशिश करता है, जिसके बाद ऑफिस के अंदर ही दोनों में रेसलिंग होती है। चलिए अब देखते हैं इस सीन का बिहाइंड द सीन। बता दें कि इस सीन को कोरियोग्राफ श्याम कौशल ने किया था, जो बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल के पिता हैं। इसके बाद नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का मुकाबला दिखाया जाता है फिल्म में, जहां महावीर फोगाट इस रेसलिंग चैंपियनशिप में फर्स्ट जाते हैं। इस सीन को रियल रेसलिंग स्टेडियम में ही शूट किया गया था, जैसा कि आप BTS क्लिप में देख पा रहे हैं। फिल्म में अब वो सीन आता है जब गीता और बबीता दो लड़के की बुरी तरीके से पिटाई कर देती हैं, जिसके बाद उनके माँ बाप महावीर के घर आके शिकायत करने लगते हैं। देखिए इस सीन की शूटिंग कैसे हुई थी। इस सीन को रियल घर के आंगन में ही शूट किया गया था। इसके बाद गीता और बबीता अपने चचेरे भाई को मारकर अपने पिता को दिखाती हैं कि उन्होंने उन लड़कों को कैसे मारा था। देखिए शूट से पहले डायरेक्टर नितेश तिवारी कैसे एक्टर्स को सीन समझा रहे हैं। इस BTS क्लिप को देखकर पता चलता है कि फिल्म के एक्टर्स ही सब कुछ नहीं होते, एक फिल्म को बनाने में क्रू मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए अब उस सीन का बिहाइंड द सीन देखते हैं जब गीता फिल्म में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेती है और वो मैच जीत भी जाती है। इस सीन को शूट करने के लिए किसी भी प्रकार के VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस सीन को असली स्टेडियम में ही फिल्माया गया था। इस सीन के शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस फातिमा सना शेख का पैर फ्रैक्चर हो गया था। आपको वो सीन तो याद ही होगा जब पहली बार महावीर अपनी छोरी गीता को किसी गांव के दंगल प्रतियोगिता में कुश्ती लड़वाने के लिए ले जाते हैं। BTS क्लिप में देखिए इस सीन को किस तरह फिल्माया गया था। देखिए कितने लोग लगे थे इस अखाड़े को बनाने के लिए। आमिर खान के बारे में ये बात तो हर कोई जानता है कि वो अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। हर फिल्म में वो अपना 100% देते हैं, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। जैसे उन्होंने PK फिल्म के लिए भोजपुरी सीखी थी, वैसे दंगल के लिए उन्होंने हरियाणवी भी सीखी थी। आप BTS क्लिप में देख पा रहे हैं कि आमिर कैसे हरियाणवी भाषा सीख रहे हैं। फिल्म के एक सीन में महावीर फोगाट अपनी बेटियों के बाल कटवा देते हैं ताकि कुश्ती ट्रेनिंग में कोई दिक्कत ना आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीन के लिए दोनों एक्ट्रेस ने अपने बाल रियल में कटवाए थे। बाल कटवाने के बाद ये दोनों एक्ट्रेस अंदर से बहुत दुखी थी, उनकी आंखें भी भर आई थी। फिल्म के किरदार में फिट होने के लिए सायरा और सुहानी ने ही नहीं बल्कि फातिमा और सानिया मल्होत्रा ने भी अपने बाल कटवाए थे। देखिए इस बाल कटवाने वाले सीन के लिए एक्ट्रेस के आंखों में नकली आंसू लगाए जा रहे हैं ताकि सीन में रियलिस्टिक फील आ सके। फिल्म में जिस अखाड़े में महावीर फोगाट अपनी बेटियों की कुश्ती ट्रेनिंग कराते हैं, वो कोई VFX से बनाया हुआ अखाड़ा नहीं है, बल्कि रियल खेतों के बीचों बीच ये अखाड़ा बनाया गया था इस सीन के लिए। देखिए अखाड़े का रूफ बनाते हुए आमिर का सीन शूट हो रहा है। फिल्म में महावीर फोगाट का जो घर दिखाया गया है वो कोई सेट नहीं है, ये पंजाब के किसी गांव का एक असली घर था जिसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया था स्क्रिप्ट के मुताबिक। बता दें कि इस फिल्म में महावीर फोगाट के ओल्ड लुक को दिखाने के लिए और उसे निभाने के लिए आमिर ने अपनी 30 किलो वजन गेन की थी और फिर उन्होंने जवानी वाले लुक के लिए अपने वजन लूज भी किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के बिहाइंड द सीन्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।